Dear parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, students. Today's our topic is English grammar for standard 6 to 10th. How are you? You are fine there. I'm also fine here. How is your life? Your life is marvelous, superb, awesome, gorgeous, whatever you think, you can reply. Before watching this video and learn that how to write and how to speak English, please make yourself comfortable first. Here you can kill two birds with one stone. जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि एक पंथ दो काज, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? You can kill two birds with one stone. हम उसी बात को आज हम साबित करेंगे. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुरू करें क्या. शुरू करें क्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? Shall we start. Here shall is used for taking permission. यहाँ shall जो है वो किस लिए यूज किया गया है? परमिशन लेने के लिए यूज किया गया है, न कि ये फ्यूचर टेंस जो आपने स्कूल्स में पढ़ा, घर पर पढ़ा, बुक्स में पढ़ा, उसके अनुसार नहीं है. तो अब आपका आंसर क्या होगा? यस सर, यस मैम. नो बेटा, इट्स रॉन्ग वे. आपको इसका रिप्लाई भी कंप्लीट देना है, पूरा देना है. तो इसका आंसर आप क्या देंगे? बाय ऑल मीन्स. बाय ऑल मीन्स का अर्थ क्या होता है? बाय ऑल मीन्स का अर्थ होता है कम वोट में, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए सर, आप इस काम को शुरू कीजिएगा. आप दूसरा रिप्लाई क्या कर सकते हैं? विद ग्रेट प्लीजर, बड़ी खुशी के साथ में. और जब आप ऐसा कहेंगे तो वो सुन करके मुझे क्या लगा? बहुत अच्छा लगा. तो ये सुन करके मुझे अच्छा लगा, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इट्स साउंड गुड. ओके, आवर फर्स्ट क्लास इज वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट आवर डेली रूटीन, दैट हाउ टू यूज, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक. आवर डेली रूटीन वी विल यूज ए फॉर्मूला, ए रूल. रूल इज आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म. आई वी स्पीक इन, वेन एवर वी स्पीक वी यूज आई. आई इज रॉन्ग मेथड. वी से इट आई, नोट आई. एंड एक्शन इज वर्क, वर्ब, टास्क. वाट एवर वर्क वी डू इज नोन एज एक्शन. नाउ कम टू पॉइंट. वाट एवर वी डू इन अ डे, वेन एवर वी स्टार्ट अवर डे, एट फर्स्ट वी गेट अप. हम उठते हैं. तो मैं उठता हूँ, अपने को अपने ऊपर ही यूज करना है. आप अपने बारे में बताएंगे, मैं उठता हूँ, आई गेट अप. नेक्स्ट वर्क इज आई टेक यान, मैं उबासी लेता हूँ. जस्ट नेक्स्ट आई टेक वर्ब. आई रिमेंबर द गोल्ड, मैं भगवान को याद करता हूँ. आई लीव द बेड, मैं बिस्तर छोड़ता हूँ. बेटा लीव का ध्यान रखेंगे, एक लीव होता है एल आई वी ई, लीव. लीव मीन्स रहना, उसी को क्या बोला जाता है? लाइव भी बोला जाता है. और यहाँ पर छोड़ने के अर्थ के लिए जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, एल ई ए वी ई, लीव. तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है. एक वर्ड होता है बेड, बी ई डी बेड, जबकि दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है बी ए डी बेड. तो हमें इनका डिफरेंस का भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट आता है आई टच द लैंड, मैं धरती माता को प्रणाम करता हूँ. नेक्स्ट वर्क मैं चप्पल पहनता हूँ, जूते पहनता हूँ या सैंडल पहनता हूँ. पुट ऑन मीन्स होता है पहनना. तो अपना सेंटेंस क्या बना? कौन करता है ये काम? आई करता है. आई पुट ऑन सैंडल, शूज, चप्पल. मैं मटके के पास जाता हूँ. तो पास जाने के लिए क्या वर्ड होता है? जाना होता है गो, नज़दीक के लिए नियर. मटके को क्या बोला जाता है? क्ले पोर्ट. कौन जाता है? आई. तो अपना सेंटेंस क्या बन गया? आई गो नियर द क्ले पोर्ट. इसी प्रकार से हम आगे अपने इन सेंटेंस को यूज करते हुए चले जाएंगे. और नेक्स्ट जब आगे हम जाएंगे लास्ट में, तो यहाँ पर एक नेक्स्ट आता है कि आई रीड न्यूज़पेपर. अब पढ़ने के लिए भी दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक होता है रीड, दूसरा होता है स्टडी. रीड, आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं कि 5 मिनट में आप उसके सारे पेज इधर से उधर पढ़ करके उसको रख देते हैं भी. लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर आपको कुछ उसका याद नहीं रहता है. बट स्टडी मीन्स आपने स्कूल में प्रथम दिन जो पढ़ा, वो लास्ट एग्जाम जो आपका 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर जो होगा उसके लिए आप रेडी रखते हैं, वो आपके दिमाग में होता है. एक वर्ड आया न्यूज़. न्यूज़ मीन्स नेम ऑफ द डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उनसे मिलकर के क्या बना? न्यूज़. नेक्स्ट आता है आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता लेता हूँ. लेकिन आपको
आप इसको क्या बोलते हो, ब्रेकफास्ट। ये फास्ट नहीं होता है, जैसे बिल्ली, बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, CAT, कैट, जबकि हम उसको काट नहीं बोलते, उसको क्या बोला गया, कैट। वैसे यहाँ पर फास्ट नहीं, ये क्या बोला जाएगा, फास्ट। तो हमें बेटा यहाँ पर प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान देना है। जस्ट नेक्स्ट वर्ब, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, आई मीट विद माई फ्रेंड्स, मैं दोस्तों से हाथ मिलाता हूँ, आई शेक हैंड विद माई फ्रेंड्स। बेटा एक आपको हिंदी, अगर आपकी शुद्ध हिंदी आप यूज करते हैं तो आप इंग्लिश आसानी से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। शेक का अर्थ क्या होता है, हिलाना होता है। अब बोलेंगे सर मिलाना, मिलाने को तो मिक्स भी कहा जाता है। बेटा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, एक वर्ड का एक ही अर्थ नहीं होता है, उसका प्रोनंसिएशन भी अलग अलग हो सकता है। मैं मेरे टीचर को विश करता हूँ, आई विश माई टीचर्स, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक माई होम, मैं यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ, आई चेंज माई यूनिफॉर्म। इसके बाद मैं लंच लेता हूँ, आई टेक लंच, मैं आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट, मैं होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क, मैं खेल मैदान जाता हूँ, आई गो टू प्ले ग्राउंड, मैं खो खो खेलता हूँ, आई प्ले खो खो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं घर वापस लौटता हूँ, आई रिटर्न माई होम। इससे पहले हमने वर्ड यूज किया था रिटर्न की जगह पर कम बैक, दोनों का सेम ही है लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट, जिन बच्चों का आता है अच्छी बात है, नहीं आता है हम सीखेंगे। आई वॉश माई हैंड्स, यानी कि मैं हाथ धोता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, आई वर्शिप टू गॉड, मैं डिनर लेता हूँ, आई टेक डिनर, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। देखने के लिए बेटा लुक सी, इसी प्रकार के 12 वर्ड्स और होते हैं जिनका देखना होता है लेकिन वो अलग अलग कंडीशन पर यूज किए जाते हैं। मैं सोता हूँ, आई स्लीप, सभी बच्चों को पता है, उसको चेंज करके हम क्या बोलेंगे, आई गो टू बेड। ओके, सी यू अगेन, थैंक्स।